एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड डियर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे जो लॉजिक ऑफ होम्योपैथी है उस टॉपिक को डिस्कस करूंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको टाइप पता होने चाहिए कि लॉजिक के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। उनके अंदर मतलब पता होना चाहिए कि उन लॉजिक का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथी जो है वो कौन से लॉजिक पे बेस्ड है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखोगे लॉजिक की डेफिनेशन, तो लॉजिक सिंपली क्या होता है, साइंस ऑफ रीजनिंग एंड साइंस ऑफ इन्फ्रेंस, ठीक है। रीज़न क्या होता है, रीज़न जो हमको एक्सप्लेन करवाता है डिफरेंट फिनोमेना। सपोज इफ वी आर सेइंग कि ये बल्ब कैसे जल रहा है, तो हम ही कहेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है तब जाके हमें लाइट मिल रही है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द लाइटनिंग ऑफ द बल्ब, ओके। तो रीजनिंग जो है वो हमें क्या करती है, डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, यानी कि ये एक लॉजिक है। लॉजिक इज़ अ साइंस ऑफ रीजनिंग एंड साइंस ऑफ इन्फ्रेंस, जिससे हम क्या है एक पर्टिकुलर इन्फ्रेंस पर पहुंच जाते हैं, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि ये जो है ये इसका रीज़न हो गया, ठीक है। सो लॉजिक का सिंपल सा मतलब ये है साइंस ऑफ रीजनिंग एंड साइंस ऑफ इन्फ्रेंस। अब हम देखें यहाँ पे टाइप्स, तो दो तरीके के लॉजिक होते हैं, एक तो होता है इंडक्टिव लॉजिक और एक होता है डिडक्टिव लॉजिक। सो यू मस्ट नो इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब क्या होता है। इंडक्टिव मतलब आप किसी चीज़ में कुछ ऐड कर रहे हो, इंडक्ट कर रहे हो, इंडक्शन कर रहे हो, ठीक है। सो इंडक्टिव लॉजिक का सिंपल सा मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ से जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करवा रहे हो, ठीक है। यानी कि आप कुछ चीज़ें इंड्यूस कर रहे हो और उसके बाद आप एक जनरल लॉ बना रहे हो, ओके। फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल यू आर मूविंग। अब इंडक्शन में क्या क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, यू शुड डू एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, उसका आपको बिल्कुल करेक्ट इंटरप्रेट करना है उसको। देन उसका आपके पास रेशनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ओके, कि ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद उसका साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि साइंटिफिकली आप उसको एक्सप्लेन कर सको। इफ़ यू आर मेकिंग एनी लॉ, ओके, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको उस लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आप क्या करोगे उससे एक जनरल लॉ बनाने वाले हो, ओके। तो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, उसको आप एक्सप्लेन कर सको रेशनली और साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन कर सको। सो दीज आर द फोर पॉइंट्स दैट यू नीड फॉर द इंडक्शन, ओके। उसके बाद है डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव मीन्स फ्रॉम द जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि आपके पास जो जनरल लॉ है उसको आप पर्टिकुलर जो लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। You are moving from the general point of view to the particular. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये सारा पढ़ लिया कि इंडक्टिव लॉजिक ये है, डिडक्टिव लॉजिक ये है, बट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे होम्योपैथी के बेस पर। सो होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, दोनों लॉजिक जो है वो होम्योपैथी कवर करती है। अब होम्योपैथी क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है। इंडक्शन का मतलब ये है कि आपने कुछ इनपुट्स दिए, उसके बाद आपने एक जनरल लॉ बना दिया, जनरल कंक्लूजन पर आप पहुंच गए। तो होम्योपैथी में क्या होता है, हमने क्या करी है, बहुत सारे लोगों पर ड्रग प्रूव की है, उसके बाद हमने बताया है कि ये सिम्टम्स जो हैं इस मेडिसिन के हैं। तो हमने क्या कर दिया कि ये जो है सारे सिम्टम्स इस दवाई के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने डिडक्टिव लॉजिक यूज़ किया कि वो सारे सिम्टम्स जो हमें मिल गए उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर इंसान को ठीक करने के लिए उस दवाई को अप्लाई कर दिया, ओके। सो वी हैव यूज बोथ इंडक्शन एंड डिडक्शन। इंडक्शन में हमने क्या किया, बहुत सारे लोगों पर प्रूविंग करी, उसके बाद एक पेज पे हमने बना दिया कि सिम्टम्स लिख दिए
कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इस दवाई के, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन में हमने क्या किया, उस दवाई को उठा के किसी मरीज को दे दिया, एक पर्टिकुलर इंसान को दिया। अगेन वी मूव फ्रॉम द जनरल टू पर्टिकुलर। ओके, सो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल इज इंडक्शन एंड जनरल टू पर्टिकुलर इज अगेन डिडक्शन। सो वी हैव यूज बोथ द लॉजिक्स इन द होम्योपैथी एंड इट इज़ अ वेरी क्वाइट सिंपल टॉपिक अगर आप समझने की कोशिश करें तो। और यही सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, यही सारी चीज़ें हमें समझनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आई होगी वीडियो। इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।